हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि यूपी बोर्ड द्वारा जो है आप सभी के सभी सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करनी और कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप सभी को पढ़ने, इस पर सुझाव आया था जो कि आप यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो आपके रसायन विज्ञान के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 12 के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर टिप्स दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए, इसी तरीके से दोस्तों आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट, सभी को हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक दिन जो है इसी तरीके से जो है आने वाले समय में हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या यहाँ पर हमें पढ़ना और क्या हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो क्या सुझाव यहाँ पर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो आइए इस पीडीएफ को हम ऑलरेडी यहाँ पर जो है ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ बच्चों आप यहाँ पर देख पाएंगे, चलिए अब यहाँ पर आप सभी देखिएगा ध्यान से कि विषय आप सभी के लिए रसायन विज्ञान इंटरमीडिएट यहाँ पर है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। दोस्तों ये यूपी बोर्ड द्वारा ये पहली बार हो रहा है आप सभी के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी जो ये बताया गया इसी माध्यम से जो है आपको पेपर भी बनेगा। यानी दोस्तों पेपर जिस तरीके से तैयार हुआ है वही सुझाव यहाँ पर आप सभी के लिए बताया गया, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए पॉइंट पॉइंट आपसे बात करते हैं। तो इससे पहले जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करिए ताकि सभी बच्चों को ये चीज़ें पता हो सके और इसी तरीके से तैयारी की करें जैसा कि यूपी बोर्ड ने यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया है, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और साथ में दोस्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वो भी आपको मिलती रहे। बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी आपके बोर्ड से इंफॉर्मेशन आती है वो भी हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ है उसका वो हम लोग फ्री में जो है आपको देते रहते हैं। तो इसके लिए आपको साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, बिल्कुल जाइए, फ्री में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पॉइंट पॉइंट बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा परीक्षा से पूर्व की तैयारी हेतु सुझाव, यानी कि दोस्तों अब इसमें यानी कि परीक्षा से कुछ दिन पहले जो कि अब आपका समय है, तो अब आपको क्या तैयारी करनी है इसमें बताया गया है। पहला पॉइंट कहता है कि रसायन विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़े तथा समय सारणी का निर्माण करें। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आप सभी के पास जो है रसायन विज्ञान के क्वेश्चन बैंक को होनी चाहिए किसी भी प्रकाशन की, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। आप एक अब जो है एक आप समय सारणी बनाइए, ठीक है, एक आप जो है समय सारणी बनाइए यानी कि टाइम टेबल बना लीजिए, समय सारणी बनाइए। इसमें आप जो है पाँचों सब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, पाँचों विषय का जो है आप एक समय सारणी बनाइए और उसी अनुसार आप सभी को पढ़ाई करनी है अब से, क्योंकि दोस्तों ध्यान सुनिएगा सभी विषय में इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें सभी विषय से हमें नंबर यहाँ पर इकट्ठा करनी है। दूसरा पॉइंट कहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझें तथा उन्हें हल करने का प्रयास करें। अब यहाँ क्या है, मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु आपके यूपी यानी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया और मैंने भी आप सभी को यूपी बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया था वो हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। लेकिन सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहा है कि विगत वर्षों में यानी कि पिछले 5 वर्षों के जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, उसी में से आपको पेपर में पूछा जाएगा। चलिए तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सरल अध्यायों की तैयारी पहले, कठिन अध्यायों की तैयारी बाद में करें। यानी जो बच्चों ध्यान सुनेगा, जो आपको सब्जेक्ट में जो चैप्टर कठिन लगता है रसायन विज्ञान में, पहले सरल को तैयार करें फिर कठिन को आप लिख लिख करके तैयार करिएगा। एग्जाम से पहले जो है उसको अब अच्छे से एकदम लिख करके तैयार करके एग्जाम में चले जाइए ताकि आप उसको अच्छे से लिख पाएँ। चौथा पॉइंट कहता है कि अध्याय से संबंधित मुख्य प्रकरणों को बिंदुवार लिखकर पढ़े जिससे कि रिवीजन करने में आसानी हो। यानी दोस्तों जैसे रसायन विज्ञान पढ़े तो आप पॉइंट टू पॉइंट बना करके भी लिख लिख करके भी चीज़ें को रसायन विज्ञान को याद कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट कहता है कि अध्याय से संबंधित मुख्य प्रकरणों को फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। अगर आपसे याद नहीं होता है तो चीज़ों को आप चार्ट के माध्यम से भी बना करके आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ठोस अवस्था में अगर
क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, तो उसको आप इस तरीके से आप जो है फिगर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आप इस तरीके से अपनी कॉपी में बना करके चीज़ों क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण में तो आण्विक ठोस, आयनिक ठोस उदाहरण में NaCl, धातुक ठोस में उदाहरण में Fe, ठीक है, और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस उदाहरण के लिए आप किसको भी ले सकते हैं, SiO2 को भी ले सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को बनाएंगे तो आपको जो है आसान लगेगा सभी चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से आण्विक ठोस की बात कर लेते हैं तो आण्विक ठोस में ध्रुवीय आण्विक ठोस हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अध्रुवीय हो गया, ध्रुवीय आण्विक ठोस में आपका HCl हो गया और एक हो गया आपका तीसरा जो है हाइड्रोजन आबंधित ठोस जो कि जिसमें कि आपके H2 हो गए। तो चीज़ों को इस तरीके से भी बना करके जो है आप पढ़ेंगे तो और आसानी से जो है केमिस्ट्री याद हो जाएगी। छठे पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। छठा पॉइंट कहता है कि भौतिक रसायन संबंधी अध्यायों से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः अध्यायों से संबंधित फार्मूले की सूची बनाएं। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जैसे भौतिक विज्ञान में और रसायन विज्ञान में भी आपके क्या है आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छी बात यह कि आपके रसायन विज्ञान 1 से लेकर के 4 तक में ही आपसे क्या पूछे जाएंगे, आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आंकिक प्रश्न का आप एक बार नोट बना लीजिएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अध्याय 1 से लेकर के 4 तक का जो है हम एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बता देंगे अगर कमेंट करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट कहता है कि आंकिक प्रश्न को हल करने की अभ्यास करें। अब बच्चों ध्यान सुनिए, आंकिक प्रश्न अगर आपको कठिनाई होती है तो कम से कम जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में या फिर जो लगातार आ रहे हैं उसको आप 2-4-10 बार आप एक्सरसाइज करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो एग्जाम अगर सेम पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन संबंधी अध्यायों के समीकरण को लिख कर समझने का प्रयास करें। यानी दोस्तों आपके जैसे पी ब्लॉक के तत्व में आपके जैसे कि अमोनिया हाइब्रिड विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण और औद्योगिक निर्माण, ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या इसमें क्या आपके बनाने की विधि में आपके क्या सभी रिएक्शन है। इसी तरीके से आपके कार्बनिक रसायन में भी बहुत सारे आपके रिएक्शन हैं, तो उनको क्या करिए आप छोटे छोटे उनको यौगिक का नाम लिखिए, उसको लिखिए, लिख लिख करके याद करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, इसमें यह बताया गया है, ठीक है। इसके दोस्तों 9वां पॉइंट कहता है कि प्रमुख यौगिक के विरचन की विधियों तथा रासायनिक गुणों को फ्लो चार्ट बना करके पढ़ें, जैसा कि आपको क्वेश्चन बैंक में दिख जाता है उस तरीके से आपको बताया गया, ठीक है। आगे कहा है प्रकरणों से संबंधित चित्रों को बना करके अभ्यास करें, जिस पर लगता है कि आपको फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं उसको आप उस तरीके से करिए। इसके दोस्तों IPSC नामकरण तथा समायोजन संबंधित प्रकरणों को सूची चार्ट तथा फ्लो चार्ट बना करके अभ्यास करें। अब यहाँ देखिएगा IUPAC नाम आपको सभी सेट में जो है आपको 1-2 IPSC नाम लिखने के लिए पूछेगा, तो जो हमने चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट IPSC बताएं उस वक्त तैयार रखिएगा, डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि समय कम है पढ़ाने के लिए। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं प्रकरणों को रटने के स्थान पर समझने का आपको प्रयास करनी है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि चीज़ों को लिख लिख कर तैयार करें तो आपको लंबे समय तक आपको वर्क करेगा। अब बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, अब अगला पॉइंट कहता है आगे कि परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बिंदु। यानी कि अब आपका रसायन विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो आप कक्ष में बैठ गए पेपर देने के लिए, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है इस बातों को ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट कहता है कि परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें, जैसा कि बार बार बताते आते हैं आप सभी को। दूसरा पॉइंट कहता है परीक्षा में आंकिक प्रश्न को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें। जैसे कि दोस्तों कोई भी अगर फार्मूला तो फार्मूला लिखकर उस आंकी को सरल करिए, अगर उसका अगर कोई इकाई उसका कोई मात्रक आता है तो उसका मात्रक भी आपको लिखना जरूरी है, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे या हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट कट जाए, ठीक है, सही करके भी। तीसरा पॉइंट कहता है उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो तथा ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य हो। जैसे कि दोस्तों अगर किसी कोई भी रिएक्शन आप दिखा रहे हैं अगर उसमें कोई उत्प्रेरक यूज हुआ है तो उस उत्प्रेरक को भी आप दिखाइएगा, ठीक है, ताकि वो समीकरण जो लिखे आप उसको सही जो उस पर नंबर मिल जाए और समीकरण को संतुलित लिखिएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट कहता है उत्तर पुस्तिका में सुंदर स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। यानी कि दोस्तों उत्तर पुस्तिका में आपको कटपीट नहीं करनी है, कोशिश करिएगा कम से कम आपसे गलत हो सेंटेंस और उसको साफ सुथरा और अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है ताकि एग्जामिनर देखे तो आपको अच्छे से नंबर दे।
पांचवा पॉइंट कहता है शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। यानी दोस्तों शीर्षकों यानी कि दोस्तों हेडिंग, ये बात कहा गया कि हेडिंग अगर आप डाल रहे हैं तो आप उसको काले तथा नीले स्केच पेन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जो स्केच आता है पतला वाला वो आपको इस तरीके से स्केच पेन यूज करनी है कि आपके पेज के उस तरफ आपको उतरना नहीं चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उस तरीके से आपको हेडिंग के लिए आपको पेन यूज करनी है ब्लैक। इसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट कहता है चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। यानी कि दोस्तों जैसे कि औद्योगिक विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण आपसे पूछता है तो उसमें आप औद्योगिक विधि में जो चित्र दिखाते हैं तो उसमें अगर पेंसिल रंगीन पेंसिल का भी यूज कर लेते हैं तो वो अच्छी चीज़ है, वो देखने में सुशोभित लगेगा, उससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर यह कहा गया। सदा पॉइंट कहता है कि सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। यानी कि अगर आपको जब पेपर मिल जाता है तो जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से सबसे पहले उसको आप तुरंत करिए, उसके बाद जो मीडिया में उसको करिए, जो एकदम नहीं आता उसको लास्ट में करिएगा। क्योंकि दोस्तों जब पहले आप करेंगे चीज़ें सरल वाला आप जल्दी जल्दी कर लेंगे तो उसका जो थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है उसको भी आप कर जाएंगे उसी फ्लो में। जब इतना कर लेंगे तो कठिन नहीं आता रहेगा तो भी उस समय आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख करके आएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अठारह पॉइंट कहता है कि समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को आपको हल करना है, समय का आपको टाइम का ध्यान करना, कोशिश करिएगा आप सभी अपने साथ घड़ी लेकर के जाइए ताकि आपको टाइम का ज्ञात होता रहे साथ में और उसी हिसाब से आप जो है प्रश्नों को आंसर दे पाएँ उनके समय अनुसार, ठीक है। नौवां पॉइंट कहता है कि प्रश्नों के प्रकार के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। यानी छोटे एक अंक वाले क्वेश्चन है तो आप एक अंक के हिसाब से दीजिए, दो अंक वाले क्वेश्चन है तो दो अंक के, लघु है यानी तीन अंक वाले क्वेश्चन है तीन अंक के, चार अंक वाले चार अंक के, पाँच अंकों वाले क्वेश्चन है तो पाँच अंक के तरीके से आपको आंसर यहाँ पर देनी है। दसवां पॉइंट कहता है उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। यानी दोस्तों अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ हमें फिगर के माध्यम से समझा देना चाहिए तो वो अगर आप समझाते हैं फिगर के माध्यम से तो उस पर और अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे। ग्यारहवां नंबर का पॉइंट कहता है उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य करें। यानी दोस्तों जो आप आंसर लिख लेते हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा जो हमने लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आप गलत डाल देते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेनी है। तो दोस्तों ये यूपी बोर्ड द्वारा आपको दो तीन तरीके से कह सकते हैं बोर्ड पेपर में कैसे आपको बैठने, कैसे आपको तैयारी करनी है, परीक्षा कक्ष में आपको क्या क्या ध्यान रखनी ये बताया गया था। और ये भी बोर्ड यूपी बोर्ड द्वारा ये भी बताया गया था कि आपको अब क्या पढ़ाई करनी, जैसे कि यहाँ पर विगत वर्षों की यानी पाँच वर्षों के आपके मॉडल पेपर को आपको तैयार यानी बोर्ड में पेपर में आए हुए क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसी में से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में किस विषय का हम लेकर के आएँ जो कि यूपी बोर्ड द्वारा आप सभी के लिए जारी किया गया, फिजिक्स का लेकर के आएँ या बायोलॉजी का लेकर के आएँ या हिंदी का इंग्लिश का, जो भी आप कहेंगे उसका हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते चलते अभी तक जो बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सके। और जो बच्चे चैनल पहली बार आए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले उसको आप पढ़ सकें। साथ में दोस्तों आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, दोनों ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बिल्कुल फ्री में जुड़िए। बाकी आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम क्लास लगाने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।